दोस्तों, जानी मानी इटालियन कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फियाट मोटर्स ने अभी हाल ही में बाजार में एक नई इलेक्ट्रिक कार लॉन्च की है जिसका नाम है फियाट 500 इलेक्ट्रिक। दोस्तों, ये एक कॉम्पैक्ट साइज सिटी इलेक्ट्रिक कार है जो कि आने वाले समय में काफ़ी ज़्यादा चीप ऑप्शन हो सकता है जो लोग इलेक्ट्रिक कार लेना चाह रहे हैं अपने बजट के अंदर। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा इस इलेक्ट्रिक कार के बारे में, पूरी डिटेल्स के बारे में जानते हैं इस वीडियो में। शुरू करेंगे इस वीडियो को। दोस्तों, फियाट की 500 इलेक्ट्रिक डिजाइन वाइज एक हैचबैक गाड़ी है। जहां पर आप इस गाड़ी का डिजाइन देखें तो एज यूजल इसे एक रेट्रो डिजाइन पर रखा गया है। गाड़ी के छत पे आपको सनरूफ, पैनोरामिक सनरूफ और कन्वर्टिबल तीन ऑप्शंस में अवेलेबल है और फर्स्ट इन द सेगमेंट पहली बार कोई कन्वर्टिबल इलेक्ट्रिक गाड़ी मार्केट में आई है। इस गाड़ी का जो बैटरी टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी एडवांस है। इस गाड़ी का जो बैटरी रेंज की बात कर लेते हैं, सबसे पहले एक बार ये गाड़ी पूरी तरीके से 100% चार्ज हो जाने पर 460 किलोमीटर तक चल सकती है। यहाँ पर ये टेस्टिंग वाली रेंज है और कंपनी कहती है कि अगर आप कैसे भी ख़राब रास्तों पे जाते हो तो ओवरऑल आपको 300 प्लस तो मिल जाता है, मैक्सिमम 450-460 आपका रेंज आता है। यहाँ पर कंपनी ने इसमें, अगर आप एज अ डेली यूज़र हैं, आपको शहर के अंदर कम्यूट करना है तो इसमें एक फास्ट चार्जिंग का भी ऑप्शन दिया गया है जिसके जरिए ये गाड़ी मात्र 5 मिनट में चार्ज हो जाती है और 50 किलोमीटर चल सकती है। तो यहाँ पर डेली यूज़र के लिए भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है कि 5 मिनट के अंदर 50 किलोमीटर, वो भी काफ़ी सस्ते में, पेट्रोल की तो कोई चिंता ही नहीं करनी है। बाकी गाड़ी की इंटीरियर्स की बात की जाए तो गाड़ी के इंटीरियर में आप देखिएगा तो यहाँ पर एक 7 इंच का टच स्क्रीन सिस्टम देखने को मिलता है और ऊपर वाले मॉडल में आपको 10.25 इंचेस का टच स्क्रीन आता है जिसमें एंड्रॉयड एप्पल नेविगेशन देखने को मिल जाता है और साथ ही साथ आपको 360 डिग्री का पार्किंग व्यू कैमरा देखने को मिलता है और 4 स्पीकर देखने को मिल जाता है। बाकी गाड़ी के अंदर परफॉर्मेंस की बात की जाए तो फियाट 500 दोस्तों आराम के साथ 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है और इसमें कुछ AI साउंड टेक्नोलॉजी भी इस्तेमाल किया गया है जिसके से आप अलग अलग कार्स की फीलिंग अपने गाड़ी के अंदर बैठे बैठे ले सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं इलेक्ट्रिक गाड़ी में कोई आवाज़ होता नहीं है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी गाड़ी का कोई स्पोर्ट्स गाड़ी का आवाज़ बना सकें तो आप AI के जरिए कर सकते हैं। बाकी 3 प्रकार के ड्राइविंग मोड्स देखने को मिल जाते हैं, इको, सिटी यानी स्पोर्ट्स, जरूरत के अनुसार इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। सेफ्टी की बात करें तो फियाट इसके अंदर 6 एयरबैग्स का ऑप्शन दे रहा है, ABS, EBD, कॉर्नर ब्रेकिंग सिस्टम, AI सिस्टम जैसे कि ब्लाइंड स्पॉट वार्निंग जैसे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं और बहुत से हाईली AI फीचर्स देखने को मिलेंगे इसके अंदर। बाकी गाड़ी के अंदर जो एयर प्योरीफायर है वो कोरोना को देखते हुए दे दिया गया, जिसके कारण जो बाहर से हवा आता है वो इसे फिल्टर कर सकता है। अब दोस्तों बात करते हैं कीमत क्या लॉन्च हुई है और कब तक ये इंडिया में अवेलेबल होगी और कौन कौन से देश में भी लॉन्च हो चुकी है। दोस्तों, इस गाड़ी की शुरुआती कीमत वो करीबन 15 लाख रुपए के आसपास रखी गई है इंटरनेशनल मार्केट में, लेकिन अगर हम बात करते हैं ये गाड़ी इंडिया में लॉन्च होगी तो इसकी जो कीमत हो सकती है वो 8 से 10 लाख रुपए के बीच में हो सकती है। और यहाँ पे रेंज की बात करूँ तो रेंज सच में बहुत ज़्यादा कमाल है। एक कॉम्पैक्ट सी गाड़ी है, जिन लोगों को ज़्यादा बड़ी गाड़ी नहीं पसंद होती है और एक छोटी सी गाड़ी अपने घर में रखने की चाहिए, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा चल सकता है फियाट 500 इलेक्ट्रिक। तो आने वाली ये गाड़ी 2024 तक भारतीय बाजार में आ सकती है फियाट 500। तो क्या लगता है आपको, गाड़ी ये गाड़ी अगर भारत में लॉन्च हुई तो क्या आप इसे लेना पसंद करेंगे? ये गाड़ी हिट होगी या फ्लॉप, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और भी ऐसे खबरों को जानने के लिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल की लेटेस्ट अपडेट्स को जानने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल EV वर्ल्ड को। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में ऐसी किसी और खबर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।